हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केसर क्रिएशन। आज वापस मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और आज का वीडियो चालू करूँ उससे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस करना ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुरानी लेस का बेस्ट रीयूज दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ऐसे दो कलर में लेस ली है, एक रिक्वायरमेंट हिसाब से जीप लिए, एक रनर लिया है। और ये लेस लगाने के लिए मैंने पहले एक फैब्रिक लिया है लाइनिंग का, तो वो फैब्रिक मैंने 9 बाय 14 का एक पीस कट करके रखा है। और अब हम इसके ऊपर इस तरह से ये ब्लू कलर का, फिर उसके बाद रेड कलर का, फिर वापिस ब्लू रेड, ऐसे करके ये पूरा जो 9 बाय 14 का पीस है उसको ये लेस से कवर कर देना है। तो इतना पोर्शन मैं सिलाई लगा के कवर करके फिर आगे दिखाती हूँ कि हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने ये 9 बाय 14 के जो फैब्रिक था उसके ऊपर मैंने इस तरह से अल्टरनेट लेस लगा दी, रेड और ब्लू, इस तरह से मैंने पूरा बेस तैयार कर दिया। अब हमें इसकी दोनों साइड ये जीप का एक एक पोर्शन लगाना है। एक साइड इस तरह से नीचे रखते हुए हम लगाएंगे और दूसरा ये वाली साइड पे लगाएंगे, तो दोनों साइड एक एक पीस लगा देना। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने दोनों साइड जीप लगाई और उसमें रनर भी अटैच कर दिया। अब हमें उसको उल्टा कर देना। उल्टा करने के बाद हमें इसका इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालना है। ऊपर जीप वाला पोर्शन ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे और ये वाली साइड पे इस तरह से इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालते हुए हमें इसे हाफ हाफ इंच दोनों साइड से, अंदर की साइड इस तरह से लेते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सेंटर से इस तरह से ऐसे रखेंगे और ये सेंटर को हाफ इंच अंदर की साइड जाने देंगे और ऊपर से इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है। ऐसे हम अंदर की साइड जाने देंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से मैंने हाफ इंच अंदर की साइड लेते हुए जो सेंटर पॉइंट था उसको अंदर ले लिया हाफ इंच सेंटर से, और इस तरह से ऊपर से सिलाई लगा दी। ये दोनों साइड ऐसे ही किया है तो उसका अच्छे से बेस बन जाएगा ये। अब हम उसको सीधा कर लेंगे। देखो, इस तरह से हमारा बेस बन के, ये हाफ इंच हमने अंदर लिया तो इस तरह से हमारा अच्छे से बेस बन गया। तो ये हमारा मल्टीपर्पज यूज पाउच पुरानी लेस में से मैंने बना दिया। आप इसका मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो, किसी को गिफ्ट देना है, इसके अंदर कुछ शगुन देना है किसी को शादी में, तो भी ऐसा चमकीला आप शगुन में भी दे सकते हो। इसके अंदर कुछ भी कवर या कुछ डाल के, तो इस तरह से ये स्पेस वाला और बिना एक पैसा खर्च किए इतना अच्छा सा हमारा पाउच पुरानी लेस का रीयूज करके बन के रेडी हो गया। ये उसका बेस बन गया, खाली हाफ इंच का ही अंदर मार्जिन लिया और बेस अच्छे से बन गया, ये साइड और इसका बेस। तो ये देखो, हमारा एकदम यूजफुल पाउच रेडी हो गया। आप इसमें डोरी भी लगा के एज अ पर्स के तौर पे भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हम ऐसे हमारे पास जितनी भी पुरानी लेस है उसका मल्टीपर्पज यूज करके इस तरह से हम बना सकते हैं। चाहे दो कलर की ना हो, अलग अलग टुकड़े टुकड़े रहते हैं तो भी हम इसको ज्वाइंट करके इस तरह से पाउच रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। वापिस मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए आइडिया और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। बाय बाय।